मन के लिए हम लोग कहते हैं मन हमेशा शुरू से ही अध्यात्म में लड़ाई मन से ही है, मन को जीतना है, तो थोड़ा सा उसको समझ नहीं पा रहे हैं। एक्चुअल में जो धार्मिक लोग रहे, जब उन्होंने ऑर्गेनाइज रिलीजन बनाए तो बहुत चालाकी से हमको ऐसी लड़ाइयों में उलझा दिया जिसमें हम कभी सफल होने वाले नहीं थे, और चूंकि हम कभी सफल नहीं होंगे तो अंतहीन सिलसिला चलता जाएगा धार्मिक कार्य व्यापार का, गुरुओं का, क्योंकि आप कभी सफल, मन से लड़ के आप कभी सफल होंगे ही नहीं। पहला प्रश्न तो यही पूछने का है कि क्या मन मैंने बनाया है, हमने किस घड़ी में इस मन को बनाया था। अगर बनाया होता तो हम इसके पार भी चले जाते, इसको मिटा भी देते। अस्तित्व ने बनाया है, कुछ उसकी व्यवस्था होगी, उसको समझना होगा। जागना, इसीलिए मैं हमेशा एक बात कहता रहा हूँ कि भगवान बुद्ध स्पिरिचुअल आइंस्टीन, अध्यात्म जगत के वैज्ञानिक हैं बहुत। उन्होंने एक शब्द दिया बोध, बोधि, संबोधि, मतलब अवेकनिंग। उन्होंने कोई उसको मिस्टिफाई नहीं किया कि परमात्मा से मुलाकात होगी या आनंद के झरने फूटेंगे या बहुत बड़ी रोशनी से आपका साक्षात्कार होगा, कुछ नहीं। उन्होंने सिंपली कहा कि अवेकनिंग, जागेंगे आप, बस जागेंगे। किस बात के लिए? हर चीज़ के लिए जागेंगे, शरीर की हर बात के लिए जागेंगे, मन की हर बात के लिए जागेंगे, और उस अवेकनिंग में ही ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उस जागृति में ही मुक्ति होगी। क्योंकि मन एक ऐसी घटना है जो हमारे शरीर और चेतना के संपर्क से पैदा हो रही है, उसके अपने काम हैं। जब हम जाग कर नहीं देखेंगे तो हम उलझते चले जाएंगे, हम जागेंगे तो बस मन रह जाएगा, मेरा मन नहीं रहेगा। ना जागी अवस्था में जो चीज़ होती है वो होती मेरा मन, माय माइंड, और जागी हुई अवस्था में बस मन होता है, मेरा मन नहीं होता। वो है, उठता है, गिरता है, हमको तरह तरह के भावों में ले जाता है, एक्सप्रेशंस में ले जाता है, बट इट इज़ फ्लक्चुएशन। और अगर आप आइडेंटिफाइड नहीं हैं, उससे जोड़ अपना नहीं बनाते हैं, तो वो कभी भी समस्या नहीं है। अगर आप जोड़ बनाते हैं तो हमेशा समस्या है। तो इसलिए मन से लड़ाई लड़ना तो बिल्कुल ही बेकार है, और ये शब्द भी उलझन पैदा कर देता है कि मन से पार जाना है। तो पार जाने में लोगों को लगता है कि इसको दबाकर पार जाएंगे, इसके ऊपर छलांग लगाकर पार जाएंगे, तो लैंग्वेज भी यही लोग उपयोग करते हैं, अध्यात्म लोग, गुरु लोग भी क्या करें, शब्दकोश तो सीमित है, तो कहेंगे मन से बाहर छलांग लेनी है। कहाँ छलांग लें, छलांग लेते हैं फिर कूद के मनी में गिरते हैं, क्योंकि छलांग भी मनी ले रहा है। अब इस कमरे में ही हम सोचे छलांग लेके कमरे से बाहर हो जाएंगे, छलांग लेंगे वहाँ गिरेंगे जाके, फिर मन के अंदर ही। ये सब काम तो मन ही कर रहा है, मन ही कहता है पार जाओ, मन ही कहता है छलांग लो, लेकिन बस जैसे इस कमरे में हम बस आँख खोल कर पूरे अलर्टनेस से कमरे को देखें और हम कमरे के पार हो गए, अभी हमको बांध नहीं रहा है, क्योंकि हमको सब बड़ा साफ दिख रहा है, कहाँ पर खिड़कियाँ हैं, कहाँ पर दीवार है, कहाँ पर रास्ता है, कब चाहें तो हम इससे उतर कर बाहर जा सकते हैं, कब चाहें तो खिड़कियाँ बंद कर सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स। लेकिन कोई बंधन नहीं है, बंधन तब है जब हमको पता ही नहीं कि बाहर जाएंगे कैसे जाएंगे, जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, तब मन बांध लिया। और जब हमने जाग कर होश पूर्वक देखा, अवेकनिंग से देखा, मन से पार हो गए, मुक्ति। तो मन वहीं का वहीं रहता है, वो कहीं जाता नहीं। इसीलिए जो लोग कहते हैं कि मन से पार चले गए, मन शून्य हो गया, उनसे भी बात करो तो इतनी बातें तो हैरानी होती होगी तुमको कि कहाँ, इनका तो मन ही मन है, हमारा तो छोटा सा मन है, इनका तो महामन है। जैसे किसी बुद्ध से एक प्रश्न पूछो, तुम तो दो चार उत्तरों में लड़खड़ाने लगोगे, वो 10 घंटे तक उसे बोलते रहेंगे, पता नहीं क्या क्या समझाएंगे, तो लगे वो सब भी तो मन का ही विस्तार है। यानी कि अगर वो सारा इन्फॉर्मेशन तुम्हारे मन में चली जाए 10 घंटे की, तो कितना बड़ा मन हो जाएगा। और वो सज्जन बोले चले जा रहे हैं और कहते हैं मैं मन से पार हूँ,
मन नहीं है मेरा, गलत नहीं कह रहे हैं, क्योंकि वो तटस्थ साक्षी होकर केवल उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो मन का बंधन नहीं है, मन तो उतना ही है वहां पर, समझ रहे हैं। मन के बारे में जो वैज्ञानिक दृष्टि है, जो मुझे लगती है कि जैसे एटमॉस्फेयर है ऐसे ही माइंड स्फीयर भी है। जैसे हवाएं हैं, आप सांस लें तब भी हैं, आप बंद कमरे में सांस लें तब भी हैं, खुले में सांस लें तब भी हैं, आप सांस ना लें मुंह बंद करके बैठ जाएं, हवाएं तब भी हैं। तो जो माइंड स्फीयर है उसमें भी थॉट्स और एक्सपीरियंसेस की जो वेव्स हैं, या हवाएं ही कह लें उनको, क्योंकि वो फ्लोइंग हैं, वो लगातार बह रही हैं। जितना भी इस अस्तित्व ने जाना है, सोचा है, देखा है, समझा है, सब बह रहा है, हम उसी के बीच में बैठे हुए हैं। अब जितना हम अपना मन कहते हैं, मेरा मन, उतना ही हम उससे कट होते जाते हैं, कट ऑफ होते जाते हैं, यानी कि हम कंपार्टमेंट बनाते चले जाते हैं। जितना ही हम जागते हैं उसके प्रति, उतना ही हम उस बड़े मन का हिस्सा हो जाते हैं या उसका दर्शन कर पाते हैं। तब वो कोई समस्या नहीं है, वो तो बस है, जब ज़रूरत पड़ती है आपके काम आ जाता है, जब ज़रूरत नहीं पड़ती तो वो अपनी जगह पर है।